Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आप बहुत सी ऐसी शख्सियत को अपनी टीवी स्क्रीन पर देखते रहते होंगे, मगर आपको उनकी जाती जिंदगी के बारे में ज्यादा मालूमात का इल्म नहीं होगा। आज हम आपको ऐसे नामवर शख्सियत के बारे में बताएंगे जो अपनी फील्ड में तो कामयाब ही है, लेकिन उनके काबिले जिक्र बात ये भी है कि वो कुरान हाफिज हैं। सऊद कासमी। पाकिस्तान के फिल्म स्टार और ड्रामा प्रोड्यूसर सऊद कासमी, जिनका ताल्लुक एक मजहबी घराने से है, वो भी हाफिज कुरान है। अदाकार ने टीवी ड्रामों की अदाकारा जवेरिया से शादी की है, जबकि मुल्क के मारूफ नातखुआ कारी वहीद जफर कासमी अदाकार सऊद के चचा हैं। शफकत चीमा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम और विलेन के किरदार से शोहरत हासिल करने वाले अदाकार शफकत चीमा के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो भी कुरान पाक के हाफिज हैं, और उस बात का इंकशाफ अदाकार ने एक टीवी प्रोग्राम में किया था। असद मलिक। पाकिस्तान टेलीविजन और फिल्मों के नामवर अदाकार असद मलिक का शुमार भी बेहतरीन अदाकारों में किया जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि पाकिस्तानी ड्रामों के मशहूर अदाकार असद मलिक भी हाफिज कुरान हैं। सरफराज अहमद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चैंपियन ट्रॉफी का तोहफा देने वाले कौमी साबिक कप्तान सरफराज अहमद भी हाफिज कुरान है, जबकि सरफराज अहमद अक्सर औकात नातवानी का शौक भी पूरा करते रहते हैं। मोहम्मद हफीज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर और क्रिकेट में प्रोफेसर के नाम से शोहरत हासिल करने वाले मोहम्मद हफीज भी हाफिज कुरान हैं।